हाय एवरीवन, मैं प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। आज हम लोग सेवेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट टू करने वाले हैं और इस बुक का नाम है हनी कॉम, है ना। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट है जो कर दिया है, जिसमें कि मैंने बताया कि राजा के 3 क्वेश्चन थे और उसने अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए अनाउंस करवा दिया था और सारे लोग है जो अपने अपने आंसर देने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए आए थे और किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होकर राजा हर्मिट के पास जाता है आंसर जानने के लिए। तो आइए आगे हम इसका पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, है ना। किंग क्यों जानना चाहता था, अपने 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था? क्योंकि किंग को एक और महान राजा बनना था, उसे अपने काम को और अच्छे तरीके से करना था, है ना। तो इसलिए वो अपने क्वेश्चन का आंसर जानना था चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, वो किंगडम में मैसेंजर को क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था, उसका आंसर फोर्थ होगा, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। जाके ये अनाउंस कर दो, है ना, कि जो भी ये क्वेश्चन का आंसर देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आके हम इस स्टोरी का पार्ट टू पे चलते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, है ना। अभी जो फर्स्ट पार्ट में मैं बता रही थी कि कोई किंग बोल रहा है कि कोई है जो दौड़ते हुए एक दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है बहुत तेजी से, है ना। हिज हैंड्स पर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और वो अपना हैंड है जो स्टमक स्टमक को जोर से दबाए हुए है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और वहां से उसके पेट से स्टमक से बहुत तेज है जो ब्लड फ्लोइंग हो रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और जैसे वो किंग के पास पहुंचा वो है जो गिर गया और उस अपने होश खो बैठा, बेहोश हो गया, है ना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो किंग क्या करते हैं, उसके जहाँ पे उस आदमी का स्टमक में ब्लड फ्लोइंग हो रहा था वहां पे उन्होंने एक क्लॉथ को लिया और उसको स्टिकली उनको क्या किया, बांध दिया, है ना, बहुत तेज जोर से बांध दिया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और किंग है जो उसको हैंडकरचीफ से कवर करते हैं ना उसके स्टमक के वुंडेड को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, फिर भी ब्लड है जो फ्लोइंग स्टॉप नहीं होता है। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉपेड, और किंग क्या करते हैं, उसको ड्रेस्ट करते हैं उनको उनके उसके घाव को जहाँ पे उसका ब्लीडिंग हो रहा था, इस तरह से उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और मैन है जो कुछ अच्छा फील करता है उसके बाद कुछ पीने के लिए वो मांगता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और किंग है जो फ्रेश वाटर लाते हैं और उसको लाके देते हैं। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और उस टाइम क्या है, सन है जो सेट हो जाता है ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, यानी शाम होने को है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और वो जो साधु है उनकी मदद से किंग उस बेहोश आदमी को जिसको चोट लगी थी उसको हट के अंदर उनका झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसको बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, और वो मैन अपना आंख बंद करके शांत से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और किंग है जो बहुत ही थक चुके थे, वो पूरे दिन हेलमेट के साथ वो काम कर रहे थे, और इस तरह से किंग है जो बहुत ही थक चुके थे, जैसे उन्होंने जमीन पे लेटा उनकी नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, है ना। जब वो सोए तो फिर उनको ध्यान आया कि ये जो आदमी कौन है जो बेड पे सो रहा है, और वो आदमी उठता है और राजा से बोलता है, फॉरगिव मी
सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बड़े ही कमजोर वॉइस में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग गए हैं तो उनसे वो माफी मांगता है. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग फॉर टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. किंग बोलते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं किस लिए आपको माफ कर दूं. तो वो आदमी बोलता है जिसको चोट लगी थी, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट इनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वो इनिमी हूँ जिसको आपने जीत लिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी भी आपने ले ली थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी ऑफ, आप है जो हमारे ब्रदर का भी डेथ आपके कारण हुआ था और आपने मेरा प्रॉपर्टी भी सीज कर लिया था. आई न्यू यू had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने जैसे ही मुझे ये खबर मिला कि आप अकेले जा रहे साधु के पास, तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं वहाँ पे ही आपको मार दूंगा. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard. और जब दिन भर आप वापस नहीं आए, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप हर्मिट के पास से जैसे ही वापस आएंगे आपको मैं मार दूंगा, लेकिन आप वापस नहीं आए तो मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वहां से निकल के बाहर आया और आपके बॉडीगार्ड मुझे पहचान लिए और वो है जो मुझे घायल कर दिए, है ना. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, और अगर आप मुझे ड्रेस नहीं करते, मेरे उंडेड को नहीं ड्रेस्ड करते, तो क्या होता, मैं अब तक मर गया होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मुझे बचाया. नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी. और बोलता है कि अगर मैं जिंदा रहा जब तक, तब तक मैं सबसे ज्यादा आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा और मैं अपने बेटे को भी ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपका है जो फेथफुल सर्वेंट बन के रहे, आपके ऑर्डर का पालन करे, मुझे माफ कर दीजिए. तब किंग बोलते हैं, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनिमी सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और किंग बहुत ही खुश हो जाते हैं अपने इनेमी को, इनेमी से शांति पूर्वक इजली उसको फ्रेंड बना के वो बहुत ही खुश होते हैं. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and the promise to give back the man his property. और वो उसको सिर्फ माफी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका जो भी प्रॉपर्टी हमने इसको हराने के बाद जो प्रॉपर्टी हमने सीज किया था वो भी इसको वापस कर दो. लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस आदमी को जो वुंडेड मैन था वहां से वो हट जाते हैं राजा और बाहर निकलते देखते हैं कि किधर है हर्मिट, हर्मिट मिल जाते हैं. तो बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन. द हर्मिट वॉज ऑन हिज knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question. So, अभी जो हर्मिट थे कल जिसमें डिगिंग कर रहे थे, आज उसमें वो बीज डाल रहे हैं, तो उस टाइम राजा बोलते हैं कि अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए प्लीज. You have already been answered. वो हर्मिट बोलते हैं सन्यासी के, तुझे तो ऑलरेडी आप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो किंग बोलते हैं कि कैसे, मैं समझा नहीं, कैसे मुझे आंसर मिल गया. Do you not see? Replied the hermit, if you had pitied my weakness yesterday and had not dug this path for me, you would have gone away. अगर तुम
जो मैं कुड़ाई कर रहा था वो मुझे छुड़ा के अगर तुम कुड़ाई नहीं करते रहता तो क्या होता, अभी तक तुम आता और मेरे पास से 5-10 मिनट बात करके क्या होता, चले जाता, है ना, ऐसे ही होता है. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. और बोलते हैं कि अगर तुम उस टाइम चले जाता तो क्या होता, ये जो आदमी है अभी तुमको मार देता, है ना. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. और वो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम हमारे साथ खेत की गुड़ाई कर रहा था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था. तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से मिल रहा है, है ना. राजा उससे बताते हैं कि एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ जो तुमने किया वो आप तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब वो आदमी दौड़ते हुए आता है और आप उसका केयर करते हैं तो वे आपके आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. है ना. तो अगर आप उसको ड्रेस नहीं करते, उसकी देखभाल टेक केयर नहीं करते तो वो क्या होता, मर जाता और आपका उससे शांति मित्रता नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो ये आदमी जो था आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और ये है जो जो आपने उसके साथ काम किया, उसका जो देखभाल किया, ये आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था, इम्पोर्टेंट काम था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो ये याद रखे कि वो काम जो अभी आप कर रहे हैं वो important है ना, अभी का काम. और it is the most important time because it is the only time we have any power to act. और इसी टाइम है जो हमारे पास काम करने का ताकत है, एक्ट है. बाकी के लिए तो हम सोच सकते हैं ना कि पहले जो किए थे या आगे जो करेंगे, लेकिन अभी जो टाइम है हमारे पास जिसमें हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, है ना. तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, और नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और कोई भी नहीं जानता कि future में क्या होने वाला है और क्या है जो future में important है, है ना. जो भी important है, जो अभी का time है, उसका आप अगर utilize अच्छे से करते हैं तो, अगर अभी आप जो time का utilize अच्छे से करेंगे तो आगे जाके भी आपका future भी क्या होगा, अच्छा होगा, है ना. तो सारे अभी के एक्ट पे आपका डिपेंड करता है फ्यूचर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, है ना. इसलिए है जो अकेले ही भेजा जाता है इस पर्पस से कि वो अपना है जो फ्यूचर खुद से बनाएगा, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड सारा डालूंगी. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.